गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल द एसटी व्लॉग्स। तो आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सही, आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और अब देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस अभी मैं कुछ पटाखे खरीद के लाया हूँ मार्केट से, तो आपको दिखाएंगे। लेकिन वो लेके क्यों आया हूँ, मतलब दिवाली के बाद कैसा काम पड़ गया मेरे को कि वो पटाखे लाने पड़े। तो भाई कुछ काम पड़ गया, मतलब देखो हमारे यहाँ पे मनोहरपुर के अंदर है एक वामन देव जी का मंदिर जो कि ऑल राजस्थान में सिर्फ एक ही है। उसकी आपको भी फोटो या फिर मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि कैसा है कैसा नहीं है। मतलब अंदर जाके तो नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन बाहर से दिखाऊंगा, अंदर जाना हुआ बाद में तो कभी अलग से एक वीडियो उसके ऊपर लाएंगे जब उसका कंप्लीट रिव्यू देंगे। उसके अंदर जाके दिखाएंगे कौन से भगवान है कैसे भगवान है सब दिखाएंगे। विष्णु जी का अवतार या वामन देव, तो वामन देव जी की जो वामन दिवाली मनाई जाती है 8 या 9 तारीख की आएगी शायद से, तो उसी के लिए मतलब मैंने पटाखे लाए हैं। तो वहाँ पे दिवाली पे तो आप खूब छोड़ लिए और वहाँ पे मैंने पटाखे दिखाए भी नहीं आपको और ना छोड़ता हुआ दिखाए। तो अब की बार यहाँ पे देखते हैं थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको। चलो पटाखे दिखाते हैं पहले आपको। पटाखे परचेज किए हैं वो सब ने आपने देख लिए होंगे सिनेमेटिक्स के अंदर। तो आपको एक बात दिखाता हूँ क्या क्या है मेरे पास। तो भाई ये जमीन चक्कर है, तो ये से अपने पास है कितने डब्बे हैं, 2 और 3 4 डब्बे अपने पास जमीन चक्कर के हैं। बाकी ये टर्की वगैरह, ये मुर्गी छाप और ये किंग कोबरा, ऐसी लड़ियाँ हैं अपने पास कुछ लाइन से। कंप्लीट सेट आता है ना एक, वो यही हमने इसको खोल के जचा दिया है बिल्कुल बढ़िया से। और ये कुछ बॉम्ब है, फॉइल बॉम्ब 10 पीसेज हैं इसके अपने पास। और ये अनार हो गए, तो भाई हमारे पास सबसे बढ़िया चीज़ यही है अनार, जो कि दिखने में बढ़िया लगेगी और आपको सिनेमेटिक में बढ़िया लगेगी। और अपने पास है ये एक स्काई शॉट का डब्बा, क्या लिखा हुआ है इस पर, लिंगा 1000 गार्लैंड क्रैकर्स, तो ऐसा कुछ पैकिंग है इसकी। तो इसको रख देते हैं, जब छोड़ेंगे जब आपको दिखाएंगे। तो भाई देख लो कुछ इतने सारे हमने क्रैकर्स हैं बाय किए हैं। चलो कुछ इतने पटाखे हैं जिनको हम बावन दिवाली के ऊपर जलाएंगे और बावन देव जी का मंदिर भी आपको भी दिखा लाएंगे। एक झलक मिल जाएगी आपको मंदिर की कि कैसा मंदिर है अंदर से बावन देव जी। सर्च कर लेना है गूगल पे तो आपको उन भगवान की फोटो दिख जाएगी। बाकी अगर इनको तो छोड़ते हैं, अब आते हैं अपनी साइकिल के ऊपर। तो भाई साइकिल के आगे लग रहा था अपना स्टेयरिंग, उसको अपन ने हटा दिया है। पीछे लग रही थी एक ईटिंग टेबल, मतलब खाने के लिए टेबल, मतलब टेबल की चेयर लग रही थी कुछ, तो उसको लंबी हो जाएगी साइकिल, तो उसको हटा दिया है। अब क्लीनिंग के बाद देखो भाई कुछ ऐसी लग रही है साइकिल, आगे और पीछे से लंबाई चौड़ाई कम कर दी है, चौड़ाई तो वही है लंबाई कम कर दी है। बाकी अपना ये ऐस हट गया है, बताऊँ क्यों, क्योंकि भाई अपन ने इसके अंदर साइलेंसर के अंदर एक लड़ी का पटाखा डाल के और उसको जला दिया, उससे ऐस निकल गया, तो उसको लगा देंगे वापस। बाकी अब काफ़ी अच्छी लग रही है बिल्कुल, देखो भाई ऊँची ऊँची साइकिल लगती है मस्त, दूर से भी लुक एक नंबर आती है भाई। ये देखो मार्केट में आ चुके हैं और जिस मंदिर की बात करता वो अपने सामने है, तो अभी आपको बाहर से दिखाते हैं थोड़ा मंदिर का रिव्यू देते हैं क्या। तो गाइस अभी लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, लाइटिंग लगना स्टार्ट हो गई है क्योंकि भाई 8 या 9 तारीख की वामन दिवाली है इसलिए। ये मंदिर है यहाँ पे जो आपको सामने दिख रहा है और मेन मंदिर ये है कंप्लीट टेंपल। तो भाई देखो इसके अंदर कितना आर्किटेक्चर का काम है, कितनी कारीगरी करी गई है, पुराने ज़माने का मंदिर है ना। तो भाई अंदर हो रहे हैं भजन और बाकी चारों तरफ ग्रिलिंग है जिस सेफ्टी के लिए ग्रिलिंग भाई बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे बंदर वगैरह भी ज़्यादा रहते हैं। देख लिया कंप्लीट मंदिर, काफ़ी मस्त मंदिर है। अब ये थोड़ा भजन वगैरह कर रहे हैं तो आवाज़ को थोड़ा इग्नोर मारना, लेकिन मंदिर है जो काफ़ी अच्छा है। चारों तरफ से देख लिया आपने कितना मस्त मंदिर है। तो गाइस अभी निकल चुके हैं घर की तरफ, लेकिन जाने से पहले अपने को लेना है एक पेन का पैकेट और फेविक्विक अपनी साइकिल के लगाने के लिए, तो भाई वो लेते हैं फिर चलते हैं सीधा घर पे। स्टेशनरी की दुकान पे आ चुके हैं, अब लेंगे अपने पेन वगैरह और फेविक्विक ले लिए। ये पेटीएम कर रहा है। इस एस की इंस्टॉलिंग करने वाले हमारी इस साइलेंसर के ऊपर जो पहले लग रहा था ऐसी कुछ डिज़ाइन कितनी मस्त लगती थी। तो भाई चलो लगाते हैं, अब ये 2 ऐसे तो ये लगाएंगे और ये पैक की काची की है तो लगाते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। देखो भाई एस की इंस्टॉलिंग करने के बाद क्या मस्त साइलेंसर लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल, क्या मस्त लुक आ रही है। चलो आप सिनेमेटिक इन्जॉय करो।
आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा भी मजा आया, मतलब पटाखे देखने में, बाउंडेजिक, मैंने आपको कुछ डिफरेंट बताने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो कल्याण चैनल को सब्सक्राइब। बाकी ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर कंटिन्यू रेगुलर मिलती रहेगी, ऐसे ही ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो गाइस चलिए आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही न्यू ब्लॉग न्यू कंटेंट के साथ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।